आज हमने अंजमन फलाह बहबूद इंसानियत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जो सेंटर है यहाँ पे डायलिसिस, उसका विज़िट किया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो बहुत पहले यहाँ पे आना चाहिए था बहसीयत एक मीरपुर के शहरी के। तो इससे पहले मैं 2-3 मरतबा भिम्बर का जो चनार डायलिसिस सेंटर है यहाँ पे गए और उनको भी जो हो सका उनको सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे पहला जो हक बनता है वो इस सेंटर का है, क्योंकि मीरपुर की शहर की हैसियत से हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और मैं बड़ा मुतमिन हूँ, यहाँ पे जितने भी मरीजों से बात हुई सब ने अपने जो हैं वो इत्मीनान का इजहार किया और किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी उन्होंने जो है वो नहीं बताई कि हमें कोई यहाँ पे कोई किसी किस्म की परेशानी होती है। तो मैं तमाम अहलियान मीरपुर, जो बिलखसूस हमारा डायस्पोरा जो तारकीन वतन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें इस डायलिसिस सेंटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस गुर्दों के जो फेलियर के पेशेंट्स हैं वो मीरपुर में हैं। तो इसके लिए जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो इनसे यहाँ पे बातचीत करके मुझे जो है वो पता चली है वो ये है कि यहाँ पे कम अज़ कम किसी किस्म का जो पैसे का आपका ज़िया है वो इसका कोई मेरे ख्याल में जो है वो चांस नज़र नहीं आता। और हम भी इंशाल्लाह यहाँ पे इन पे जो है वो चेक रखने की कोशिश करेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं जितने भी जो सुनने वाले हैं कि इंशाल्लाह हमारी भी भरपूर यहाँ पे निगरानी होगी और हम इन पे जो है ना चेक रखेंगे कि किसी किस्म का कोई जो इस तरह की जो मसलन लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है ना वो ना हो, लोगों का एतमाद बहाल हो। क्योंकि एनजीओज के बारे में अक्सर लोगों के खदशात होते हैं कि ये पैसे खर्च कम करते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा खर्चे करते हैं। ऐसे बेशुमार एनजीओज हैं जो मसलन उनके अखराजात जहाँ पे लगने चाहिए वहाँ पे लगते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो काम हो रहा है ये मीरपुर में अगर कहूँ कि सबसे अच्छा और बेहतर कोई एनजीओ काम कर रही है तो ये अंजमन फलाह बहबूद इंसानियत है। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोग तआवुन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।